अस्सलाम वालेकुम। कोडेनिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 2023 का बहुत ही ज़बरदस्त और डिमांडिंग स्किल, और वो स्किल है वीडियो एडिटिंग। आज के इस सोशल मीडिया के जदीद दौर में टिकटॉकर को, यूट्यूबर को और कोई भी सेलिब्रिटी जो है उसको अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आज का वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से ईजिली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आज के इस फ्रीलांसिंग के दौर में आप लोग घर बैठे रिमोट एरिया में इजीली वीडियो एडिटिंग करके अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करके वीडियो एडिटिंग की हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इस जबरदस्त और डिमांडिंग स्किल को सीखते हैं। तो हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कैपकट। कैपकट को किस तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। आपके सामने ये मैंने गूगल क्रोम पे कैपकट की जो मेन वेबसाइट है उसको ओपन किया है। उसको ओपन करते ही आपके पास जो पेज शो होता है, इंटरफेस शो होता है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हॉवर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक है डाउनलोड फॉर विनरार और मैकबुक, और दूसरा है डाउनलोड फॉर मोबाइल्स। अगर आपके पास मैकबुक है, आप उसके लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं कैपकट को, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने मोबाइल यूज के लिए डाउनलोड करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास विंडोज वाला सिस्टम है और आप उसके लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन शो होता है जो कि डाउनलोड फाइल की इन्फो है। इस पे आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो डाउनलोड होने के बाद आप उसको डबल क्लिक करके इजीली स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस कैपकट की डाउनलोडेड फाइल को, जिसको आपने इंस्टॉल कर लिया है, आप उसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये मेन पेज जो है कैपकट का वो शो होता है। इस पे आपके पास अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो साइन इन का ऑप्शन है, होम ऑप्शन है। आप साइन इन के ऑप्शन को यूज करते हो डिफरेंट अकाउंट्स के साथ, इस कैपकट पे साइन इन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट अकाउंट्स यूज हो सकते हैं, जैसा कि आप टिकटॉक से साइन इन कर सकते हैं, आप फेसबुक से साइन इन कर सकते हैं, आप गूगल के साथ साइन इन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल के साथ साइन इन करता हूँ। उसके लिए जब मैंने गूगल पे क्लिक किया है तो उसके बाद ये डायरेक्ट मुझे मेरे अकाउंट की इन्फो पे ले गया है। मैंने अपना अकाउंट लगाया है, लगाने के बाद ओपन कैपकट किया तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे साइन इन की जगह पे मेरा नेम शो हो रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये मेरे अकाउंट के साथ साइन इन हो गया है, अटैच हो गया है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, थर्ड पार्टी कॉपीराइट और एनवायरमेंट टेस्टिंग और वर्जन और अकाउंट्स के बारे में इन्फो मिलेगी। यहाँ पे आप अगर देखें तो आपका वर्जन 2.4 है जो कि अपडेटेड है। उसके अलावा आपने इसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट टेस्टिंग पे क्लिक करना है। एनवायरमेंट टेस्टिंग पे क्लिक करने से आपको ये पता चलेगा कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, जिस सिस्टम पे, पीसी पे या मोबाइल पे जो आप यूज कर रहे हैं, क्या उसके साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर होगा तो ये आपको बता देगा। अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स इसकी टेस्टिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और ये बता रहे हैं जी योर कंप्यूटर कैन रन कैपकट स्मूदली। आपका जो कंप्यूटर है वो कैपकट को स्मूदली रन कर सकता है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब भी आपने कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नया आपने मीडिया इंपोर्ट करके उसकी एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आप हमेशा ये न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ये पेज जो शो होता है, इस पे हम अपने मीडिया को इंपोर्ट करते हैं और डिफरेंट टेक्स्ट को यूज करते हुए, डिफरेंट इसके ऑप्शंस को यूज करते हुए हम वीडियोस को एडिट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कैपकट में मीडिया को इंपोर्ट किया जाता है। उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्लस वाला साइन है जिसके साथ इंपोर्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप इस साइन पे क्लिक करके मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। जब मैंने ये प्लस वाले साइन पे क्लिक किया है, प्लस वाले साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल है कैपकट ट्यूटोरियल डाटा के नाम से, मैं उसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जो जो डाटा जो है हम इंपोर्ट करना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेता हूं। सारे के सारे डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये सारा डाटा सेट जो जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो जो वीडियोस और पिक्चर जो मैंने सेलेक्ट की थी, वो इंपोर्ट हो गई हैं। इसके अलावा आप जिस फोल्डर से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उनको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इंपोर्ट की हैं और
कुछ वीडियोस इंपोर्ट किए हैं जिनको यूज करते हुए मैं एडिटिंग करना चाहता हूं। अब हम ये देखेंगे हम किस तरीके से एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी देखते हैं। यहां पे जो मैं वीडियो को एडिट करना चाहता हूं उसके लिए मैं यहां पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्लिक करके भी इसको ऐड कर सकता हूं। यहां पे मीडिया को प्लस के साइन पे क्लिक किया तो मेरी ये जो वीडियो की फाइल है वो यहां पे इंपोर्ट हो गई है। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल जी करूं, अंडू करूं और मैं इसको सिलेक्ट करके भी यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहां पे कुछ बटन शो हो रहे हैं, देखते हैं जी ये कौन से बटन है और इनका काम क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे तो स्विच टू सिलेक्ट मोड और स्प्लिट मोड, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे चार ऑप्शंस है मेरे पास, सिलेक्ट का, स्प्लिट का, सिलेक्ट फॉरवर्ड और सिलेक्ट राइटवर्ड। अब सबसे पहले सिलेक्ट है, सिलेक्ट के लिए अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका माउस ही सिलेक्ट हुआ रहता है। जिस पॉइंट पे भी आप डेटा सेट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं एडिट करने के लिए, जहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोई भी उस पे जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। इसके बाद अगर आप सेकंड वाला स्प्लिट वाला ऑप्शन लेते हैं तो स्प्लिट वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि जहां पे आप क्लिक करेंगे आपका डेटा सेट जो है वहां से स्प्लिट होता रहेगा। अगर आप यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 फाइव पॉइंट्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो वहां पे ये डाटा जो है वो स्प्लिट हो चुका है। अंडू करते हैं ये सारे को। इसके बाद थर्ड है सिलेक्ट लेफ्ट वर्ड, इस पे क्लिक करने के बाद जब आप लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करते हुए इसको ड्रैग करते जाएंगे तो आपका लेफ्ट वर्ड जो डाटा सेट है वो सिलेक्ट होता रहेगा। इसके बाद सिलेक्ट राइट वर्ड है तो आप इस वीडियो पे सिलेक्ट करते हुए आप इसको राइट साइड से मूव करेंगे तो आपकी जो वीडियो एलिमेंट है वो राइट साइड पे मूव होती रहेगी। हमने इसको सिलेक्ट पे ही रखना है ताकि हमारा स्प्लिट या सिलेक्ट फॉरवर्ड या लेफ्ट वर्ड वाला ऑप्शन चूज ना हो। इसके बाद यहाँ पे अंडू और रीडू के ऑप्शन है, ये अंडू है, ये रीडू है, अंडू एंड रीडू। इसके बाद आपको यहाँ पे ये स्प्लिट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ये है जी डिलीट लेफ्ट वर्ड और ये डिलीट राइट वर्ड। अच्छा जी, अब ये स्प्लिट को हम दो मेथड से सिलेक्ट करके स्प्लिट कर सकते हैं डाटा सेट को। एक तो ये है आप यहां से सिलेक्ट करें और फिर उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अंडू करता हूं इसको। इसके अलावा आप या जहां पे आपने ये सिलेक्ट किया इसको वहां पे आप कर्सर को रखते हुए स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका डाटा सेट जो है वहां तक स्प्लिट हो जाएगा। अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करते हुए अब देखें तो आपके पास इनके अलावा ये डिलीट वाला ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टार्ट करता हूं, मेरी जो वीडियो है इसमें इस पॉइंट तक जहां तक मेरा कर्सर है वहां तक कोई भी वर्ड मैंने नहीं बोला। तो इसको हम स्प्लिट करने के लिए एक तो यहां से स्प्लिट कर सकते हैं, दूसरा अंडू करके अगर मैं कॉम्बिनेशन की कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूं तो भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद अब जो मैंने क्लिप जो है यहाँ जो भी एक इंटरवल क्लिप का मैंने सिलेक्ट किया है, स्प्लिट किया है, उसको सिलेक्ट करके इस डिलीट वाले ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूं तो उसको मैं डिलीट कर सकता हूं। अंडू करता हूं, फिर बताता हूं, इसको सिलेक्ट करके इस डिलीट वाले ऑप्शन पे अगर मैं जाऊंगा तो वो मैं डिलीट कर सकता हूं उसको। अंडू करते हैं और सिलेक्शन को अंडू करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज का। आप किसी भी एरिया को, किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद उसको कैपकट में फ्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कंट्रोल बी करके अब मैं इसी को फ्रीज करना चाहता हूं कि मेरा ये जो ऑप्शन है वो फ्रीज रहे, तो उसके लिए क्या करूंगा, ये मेरे पास फ्रीज का ऑप्शन है, फ्रीज पे क्लिक करूंगा तो ये अगर मैं इसको ऊपर ले जाके ड्रैग करता हूं और यहां पे मैं इसको देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो ये जो ऑप्शन है फ्रीज वाला उसने मेरा जो पार्ट था उसको फ्रीज कर दिया, मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। फ्रीज मतलब स्क्रीनशॉट। इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका क्लिप सीधा चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम चल रहा है, वेलकम टू कोडानिक्स है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये एंड से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये यहां से ये सीधा चल रहा है, आपका राइट साइड पे मूव हो रहा है, तो जब आप रिवर्स करेंगे तो आपका एंड से
लेफ्ट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे मिरर का ऑप्शन, आप मिरर का ऑप्शन यूज करते हुए अपनी जो वीडियो है उसको मिरर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं मिरर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरी जो फेस की पोजीशन है या फेस एंगल जो है वो चेंज होता जा रहा है। इसके बाद रोटेट का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करते हुए अपनी जो वीडियो है उसको रोटेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरा इसका वीडियो का एंगल जो है वो रोटेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, इस क्रॉप के ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपनी वीडियो के जो एंगल्स हैं उसको सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इतनी वीडियो चाहिए तो कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो जो है उसी एंगल पे सेट हो जाएगी। वेलकम टू, अगर मैं इसको अनडू करूं तो आप उसका फ्रेम चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, रेशियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट रेशियोज जो है वो शो हो रही है। वीडियो की रेशियो जो है डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, उसमें यूट्यूब की जो है लैंडस्केप की 16:9 है और जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो अपलोड की जाती हैं उनकी रेशियो 9:16 है। इसके बाद फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन की जो रेशियो है वो लैंडस्केप की 16:9 है, शॉर्ट्स की जो है वो रील्स वगैरह जो अपलोड किए जाते हैं वो 9:16 है, और अगर कोई स्क्वेयर वीडियो है तो उसकी 1:1 या 4:5 है। इंस्टाग्राम पे जो रेशो यूज की जाती है वीडियो की वो 16:9 है लैंडस्केप पे, शॉर्ट्स की 4:5 है और स्क्वायर की 1:1 है। टिकटॉक पे जो रेशो यूज की जाती है वीडियो की वो 9:16 है जिसको हम फुल पोर्ट्रेट बोलते हैं। आप यहाँ पे कैट कट पे अगर रेशोज पे देखेंगे तो आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना के एडिट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी रेशो सेट कर सकते हैं। अभी मैं किसी भी स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए नहीं कर रहा तो इसके लिए मैं ओरिजिनल पे ही सिलेक्ट करते हुए इस जो वीडियो है उसकी एडिटिंग करूंगा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो एडिटिंग किस तरीके से स्टार्ट की जाती है। सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है आपका जंप कट लगाने का या ट्रिम करने का। जंप कट या ट्रिम क्या होती है कि आपकी जो अनवांटेड पार्ट्स हैं जिनको आप वीडियो में ऐड नहीं करना चाहते एडिटिंग करते हुए, आपने उन पार्ट्स को उस वीडियो के पूरे पोर्शन में से आपने उसको डिलीट करना है, कट लगा के उसको डेल कर देना है। तो चलिए जी देखते हैं। अब अगर मैं पहले प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको जो आपके क्लाइंट की जो वीडियो है उसने आपको भेजी है एडिटिंग के लिए, पहले आपको उसको थॉरली अच्छे तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी अनवांटेड पार्ट्स हैं जिनको आपने रिमूव करना है और जिनको जंप कट लगा के ट्रिम करना है। उसके लिए पहले हम इसको पूरी जो वीडियो है उसको सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडानिक्स। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए। आप देख सकते हैं जी, तो आपने ये वीडियो सुनी, इसमें अब जहां जहां अनवांटेड पार्ट्स हैं हम उसको ट्रिम कर लेते हैं जल्दी से। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम कॉम्बिनेशन की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और उसको डेल करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडानिक्स। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। हमने जंप कट्स लगा लिया, ट्रिम कर लिया, अब हम इस वीडियो को दोबारा से सुनते हैं। वेलकम टू कोडानिक्स। आज की इस लेक्चर सीरीज में
हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से दो डिफरेंट वीडियोस को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं और दोनों को एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी मैच करके किस तरीके से हम एक साथ एडिट कर सकते हैं। उसके लिए अगर अब यहाँ पे आप सुनते हैं तो सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जहां पैसों की बात की है वहां पे मैं ये एक वीडियो जो है डॉलर्स की मैंने ऐड की हुई है, इंपोर्ट की है, इसको यहाँ पे ऐड कर दूं, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसको ऐड करते ही मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको चलाऊं तो ये देख सकते हैं लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। लेकिन अब अगर देखें कि यहाँ पे जो वीडियो है मेरी ओरिजिनल वीडियो शो नहीं हो रही, मेरे पास यहाँ पे जो वीडियो है उसकी डॉलर्स की वो शो हो रही है, पैसों की शो हो रही है, उसको हम किस तरीके से अब दोनों कोई ट्रांसपेरेंसी को मैच करते हुए उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी ओरिजिनल वीडियो है वो नहीं शो हो रही, लेकिन जो डॉलर्स या पैसों वाली वीडियो है जस्ट वो शो हो रही है। अब हम किस तरीके से इन दोनों वीडियोस को सेम टाइम पे हम शो करवा सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप राइट साइड पे देखें तो वीडियो वाले इस ऑप्शन में बेसिक के ऑप्शन में नीचे यहाँ पे ब्लेंड के नीचे ओपेसिटी शो हो रही है। ओपेसिटी को जैसे ही मैं मिनिमम करता हूं आप देख सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल वीडियो के साथ साथ ये डॉलर्स की वीडियो भी शो हो रही है। अब इसको प्ले करते हैं तो नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो जिस तरीके से हम ओपेसिटी को जैसे ही सेट करेंगे उस वीडियो की, उसी तरीके से हमारा दोनों वीडियोज का जो दोनों पोर्शन है उनका कनेक्शन जो है वो शो होगा कि दोनों वीडियोज जो है एक साथ चल रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि पहले हमने वीडियो को ऐड करके उसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करके हमने चेक किया कि किस तरीके से वो दो वीडियोस के पोर्शन जो हैं वो एक साथ चल सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं वीडियो के बजाय कोई पिक्चर ऐड करके उसकी ओपेसिटी को सेट करके देखूं कि वीडियो के साथ क्या पिक्चर ऐड हो सकती है और क्या हम उन दोनों को सेम टाइम पे शो कर सकते हैं, उसके लिए देखते हैं जी। अब यहाँ पे मैंने ये वीडियोज ऐड की हुई है, पिक्चर्स ऐड की हुई है, यहाँ से मैं इस पिक्चर को ऐड करता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर यहां पे ऐड हुई है, इसको मैं यहां पे ऐड करता हूं और इधर ऐड कर लेते हैं इसको, यहां से इसको चला के देखते हैं कि कैसे शो होती है। इसको ऐड करते हैं, दिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। अब यहां पे आप देखें कि यहां पे ये वाली पिक्चर जो है ऊपर वाली लेयर में थी, ऊपर शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो नीचे शो हो रही है। हम इस पिक्चर की स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए आप क्या करते हैं, आपके राइट साइड पे यहाँ पे बेसिक में पोजिशन एंड साइज का जो है ऑप्शन है जिसमें आगे स्केल लिखा हुआ, आप स्केलिंग को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी स्केल जो है मैक्सिमम से मिनिमम करके इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको शो करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर शो हो रही थी, ये वाली जिसमें पिक्चर थी, और नीचे वाला ओरिजिनल वीडियो का पोर्शन नहीं शो हो रहा था। अब हमने इसकी जो स्केलिंग कर लिया, स्केलिंग करके देखते हैं इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर दिया है और पिक्चर के साथ साथ वीडियो भी शो हो रही है। इस तरीके से हम डिफरेंट मीडिया को, डिफरेंट पिक्चर्स को ऐड करके शो करवा सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पिक्चर है और जो हमारी जो ओरिजिनल वीडियो क्लिप है उसमें पिक्चर और जो वीडियो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो नीचे आ जाए और वीडियो क्लिप जो है वो ऊपर मूव कर जाए। अब हम इस वीडियो को चला के देखते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। अब यहाँ पे आप देखें आपकी जो पिक्चर है वो और वीडियो क्लिप की पोजीशन तो चेंज हो गई है, लेकिन वो दोनों में से सिर्फ एक चीज शो हो रही है, दोनों जो हैं वो शो नहीं हो रही। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी स्केलिंग छोटी करेंगे, स्केलिंग करने के बाद इसकी पोजीशन चेक कर लेंगे कि इस वीडियो को हम किस पोजीशन पे सेट करना चाह रहे हैं। तो जहां पे सेट करेंगे हमारी वीडियो यहां से अब हम देख सकते हैं वैसे ही शो हो।
आज की इस लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से आप इस तरीके से वीडियो और पिक्चर की जो पोजीशन है उसको हम चेंज करके सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से वीडियो में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स आपको ऐसे होता है कि आपके वीडियो के साथ आपको कैप्शंस ऐड करनी होती हैं, लेकिन इंग्लिश की ऑटो कैप्शंस के अलावा उर्दू की जो ऑटो कैप्शन है वो नहीं होती, तो आपको मैनुअली खुद से ऐड करनी होती है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। किस तरीके से ऐड करते हैं चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास यहाँ पे वीडियो है वेलकम टू कोडेनिक्स। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये यहाँ पे एज अ टेक्स्ट भी शो हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले हमारे पास डिफॉल्ट टेक्स्ट मौजूद है। डिफॉल्ट टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूं जी वेलकम टू कोडेनिक्स। अच्छा जी, आप यहां पे भी टाइप कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में, और उसके अलावा ये यहां पे जो प्लेस है वहां पे भी। उसके बाद अगर आप यहां पे नीचे देखें तो यहां पे फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स शो हो रहे हैं। जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे इसका साइज सेट कर सकते हैं। साइज के बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं, कलर स्कीम इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे इसको कलर के बाद यहां पे ट्रैक्टर लाइन अलाइनमेंट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहां पे ये जो प्रीसेट स्टाइल्स हैं उनको यूज करते हुए भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पोजीशन और साइज सेट कर सकते हैं। ये इसका साइज हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूं वेलकम टू कोडेनिक्स। अब यहां तक मेरी वर्डिंग है वेलकम टू कोडेनिक्स की। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही मेरी ये कैप्शन भी है। इसके अलावा आप ये डिफॉल्ट ऐड करने के अलावा यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स वाली भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास वर्ड आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इन स्टाइल्स को भी यूज करके ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट के यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं मौजूद, आप इन टेम्पलेट्स को भी यूज करते हुए डिफरेंट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से वीडियो के साथ जो टेक्स्ट है उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप वीडियो में जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेटिव लेक्चर दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने जो ऑडियंस है या व्यूअर्स हैं उनको एक्टिव रखने के लिए इस वीडियो के पीछे पीछे लाइट सा म्यूजिक जो है वो भी चल रहा हो, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस जो है या व्यूअर्स जो है वो एक्टिव रहे, तो आप म्यूजिक किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, और ऑडियो पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपके पास रेडीमेड सॉन्ग जो हैं वो डिफरेंट आर्टिस्ट्स के वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो इन रेडीमेड सॉन्ग्स की वजह से या रेडीमेड ऑडियो म्यूजिक की वजह से आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप यहां से नहीं म्यूजिक को ऐड करें। आपको एक और मेथड बताता हूं या एक और आपको सोर्स बताता हूं जहां से आप म्यूजिक को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी YouTube का स्टूडियो जो है उसमें चले जाओ, और ऑडियो लाइब्रेरी में डिफरेंट म्यूजिक जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इन सॉन्ग्स को इन ट्यून्स को यूज करते हुए आप कॉपीराइट के इशू से बच सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मैं ऑडियो इम्पोर्ट कर लेता हूं, ये ऑडियो है, और इस ऑडियो को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्लेस करते ही ये मेरा ऑडियो जो है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो इस ऑडियो पे क्लिक करके मैं इसको ट्रिम कर लूंगा जो फ्लैट म्यूजिक है, और अब यहाँ पे इसको चलाते हैं।
आज की इस लेक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी ये जो साउंड है इस म्यूजिक का, वो आपकी जो वोकल क्वालिटी है उससे ज्यादा है। तो इसको आप सेट करने के लिए इस ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपके पास राइट साइड पे वॉल्यूम का बटन शो हो रहा है। आपके पास राइट साइड पे बेसिक में वॉल्यूम का बटन शो हो रहा है। वॉल्यूम वाले बटन को क्लिक करके आप अपने वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको सेट करने के बाद दोबारा से चलाते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है अब इसको चेक करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडेनिक्स। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे। अभी भी इसका साउंड ज्यादा है, हम इसके और साउंड को मिनिमम कर देते हैं जी। अब दोबारा से किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है स्टिल ज्यादा बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। इसको ट्रिम कर देते हैं, इस साउंड को और लिटिल बिट ज्यादा कर देते हैं। दोबारा इसको चेक करते हैं। वेलकम टू कोडेनिक्स। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे जी। तो इसमें आपने ये देखा है कि किस तरीके से हम ऑडियो को किन किन सोर्सेज से डाउनलोड करके यूज करके हम इंपोर्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से YouTube का, Facebook का, Instagram का, Twitter का स्पेसिफिक आइकन को किस तरीके से हम वीडियो में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे YouTube का अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये मैंने YouTube का आइकन जो है इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। इस आइकन को अब मैं ऐड करता हूँ इस जगह पे। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये वेलकम टू कोडेनिक्स आए तो उसके साथ मेरे पास ये वाला आइकन शो होना चाहिए। अब ये आइकन शो वेलकम, अब आइकन जो है इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। इस आइकन का स्केल बेसिक में जाके इसका स्केल हम छोटा कर देते हैं। स्केल छोटा करने के साथ अब मैं ये चाहता हूं कि जब ये आइकन आए तो आइकन के साथ पीछे साउंड इफेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद ये साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ये साउंड इफेक्ट जो है, ये डिफरेंट किस्म के साउंड इफेक्ट हैं। आप इन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं कि जब हमारा ये आइकन शो हो तो इस आइकन के शो होने के साथ पीछे से जो साउंड आना चाहिए। आ हैप्पी ब्रास एंडिंग देखते हैं। इसको मैं ऐड कर लेता हूं। अब ये चाहता हूं कि यहां पे ये शो हो, देखते हैं जी। अब इसका साउंड ज्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही आइकन शो होगा, देखते हैं जी स्टार्ट से रन का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडेनिक्स। ये आप सुन सकते हैं कि जैसे हमारा आइकन शो हुआ है वैसे ही उसके पीछे साउंड भी जो है, साउंड इफेक्ट भी सुनाई दे रहा है। इस तरीके से हम डिफरेंट आइकन्स को ऐड करके उनके साथ हम डिफरेंट साउंड्स जो है उनको एसोसिएट करके वीडियो में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस क्या होती हैं और किस तरीके से हम उनको ऐड करते हैं। जब आप किसी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो उस फ्रेम के दरमियान में जो स्प्लिट लाइन होती है वहां पे कोई इफेक्ट लगाया जाता है ताकि उस जो स्प्लिट किए हुए पोर्शन में वो इफेक्ट शो हो और आपको जो फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मुंतकिल होना जो है ज्यादा इफेक्टिवली शो ना हो। देखते हैं जी किस तरीके से ऐड करते हैं। अब यहां पे हमारा स्प्लिट का ऑप्शन है ये वाला। यहां पे अब हम इफेक्ट ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए इस ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे और ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ओवरले की है, कैमरा, ब्लर, बेसिक लाइट इफेक्ट है, ग्लिच है, डिस्टॉर्शन है, स्लाइड, स्प्लिट, मास्क है, एमजी और सोशल मीडिया। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम ब्लर वाला ऑप्शन लगा दें। तो ब्लर वाले के लिए और ये
किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसे खाएंगे कि किस सकते हैं। इसको ऐड कर देते हैं यहां पे, सेकंड वाले पे हम कोई बेसिक लगा देते हैं ताकि डिफरेंट जो इफेक्ट्स हैं हमें डिफरेंट ट्रांजिशन उनका पता लग जाए। यहां पे हम लाइट इफेक्ट्स में से कोई लगा देते हैं, यूजफुल टेक्निक है जी। अब इफेक्ट्स को चेक करते हैं जी, देखिएगा लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। जब आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मुंतकिल हो रहे हैं या एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहे हैं तो वो जहां पे आपने स्प्लिट किया हुआ था उस स्प्लिट किए हुए पार्ट पे ये इफेक्ट शो होगा जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। हम इनको एडिट करके इनका जो इंटरवल टाइम है या उनका ट्रांजिशन का टाइम है, इफेक्टिव टाइम, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके आप इसकी टाइमिंग को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से आप ट्रांजिशंस को ऐड करते हैं। ट्रांजिशंस के बाद अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स किस तरीके से लगाए जाते हैं। ट्रांजिशन में और इफेक्ट में फर्क इतना है कि ट्रांजिशन जो होती है वो दो डिफरेंट फ्रेम्स के दरमियान में लगाई जाती है जहां पे उनका ट्रिम किया हुआ पोर्शन होता है, और इफेक्ट जो होता है वो वीडियो क्लिप के ऊपर ऐड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम इफेक्ट्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशंस के साथ जो है इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट इफेक्ट्स जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन इफेक्ट्स के जरिए से आप अपनी आंखों से आग निकाल सकते हैं, डिफरेंट आंखों के साथ कर सकते हैं, और आपकी बॉडी से आप लाइट निकाल सकते हैं, डिफरेंट आप जादू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये वाला एड कर देता हूं इफेक्ट जो है, इसके बाद सेकेंड वाले पे इफेक्ट लगा देते हैं जी। हम आपको सिखाएंगे कि हमने इफेक्ट्स ये लगा दिए। अब देखते हैं जी इन इफेक्ट्स का क्या असर होता है, शुरू से चेक करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडेनिक्स। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया इजीली कमा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। इसके बाद देखते हैं हम स्टिकर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट्स को रिमूव करता हूं मैं। लेट्स सपोज अब मैं यहां पे स्टिकर ऐड करना चाहता हूं, तो स्टिकर्स के लिए यहां पे स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मैं लेट्स सपोज इस स्टिकर को ऐड करना चाहता हूं। वीडियो एडिटिंग जो है अगर कोई लेडीज बोल रही है तो उसके मुंह पे हम ऐसे स्टिकर ऐड करके भी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर इसकी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करके भी इसको एडिटिंग कर सकते हैं। एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। लेट्स सपोज यहां पे सब्सक्राइब वाला स्टिकर लगाना है। वीडियो एडिटिंग जो है एक बहुत इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे, तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्पीकर्स को वीडियो एडिटिंग ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही यूजफुल यहां पे आपके पास डिफरेंट स्टिकर्स मौजूद हैं, आप इन स्टिकर्स को यूज करते हुए अपनी वीडियो में एडिट करके इनको आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रोमा की को किस तरीके से रिमूव किया जाता है और उसकी जगह पे किस तरीके से हम कोई भी नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास दो पिक्चर्स हैं जिनको मैं एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकता हूँ। एक तो ये पिक्चर है मेरे पास और दूसरी ये पिक्चर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे ये एडिटिंग जो है एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए से ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, इसके पीछे मैं बैकग्राउंड लगा दूं, कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड, और क्रोमा की जो है इसको मैं रिमूव कर दूं। तो उसको किस तरीके से हम करते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, इस पोर्शन को उठा के ऊपर ले जाना है,
और इसकी जगह पे नीचे जो है हमने जो बैकग्राउंड लगाना है हमने क्रोमा की को रिमूव करके उस बैकग्राउंड को हमने प्लेस कर देना है। अब उसको प्लेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारे पास ऊपर वाली लेयर आ रही है, नीचे वाला वॉलपेपर शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है जो पार्ट है उसका मूवी का, नीचे जो वॉलपेपर है वो शो नहीं हो रहा। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हमने ऊपर वाले वीडियो के पोर्शन पे क्लिक करना है और बेसिक के साथ कटआउट लिखा हो, कटआउट पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्रोमा की आएगी, क्रोमा की को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने कलर पिक करना है इस ब्रश को सिलेक्ट करके, और ये गोल सर्कल आ जाएगा जो हमारी क्रोमा की, उस पर हम कर्सर को एक दफ़ा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और उसके साथ साथ शेडो को भी हम बढ़ा देंगे, शेडो को भी बढ़ा देंगे और स्ट्रेंथ को भी जब हम बढ़ा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब हम देख लेंगे कि जहाँ पे हमारी जो फोटो है या जो मूवी में हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर रहे, मतलब कि हमारा मूवी में जो सीन आ रहा है वो उस पर हमारा फेस भी क्लियर हो, हमारी बॉडी जो है वो भी क्लियर हो। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जब हमने स्ट्रेंथ और शेडो को सेट कर लिया है, या उसके अलावा मैं ऑटो कट भी कर सकता हूँ, ऑटो कट के आगे यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे हमारा ऑटो कट भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी ऑटो कट रहने देते हैं, ये हमने मैनुअली इसको सेट कर दिया है। इसके बाद जब हम इसको यहाँ से चलाएंगे तो इतने पोर्शन पे जहाँ पे, तो इस पोर्शन पे जहाँ पे हमने ये पीछे बैकग्राउंड लगाया है उस बैकग्राउंड पे हमारी जो वीडियो चल रही है उसके पीछे बैकग्राउंड शो होगा, जिसके जरिए से आप जी तो ये आपने देखा है मेथड जिसके जरिए से हम क्रोमा की को एक्सचेंज करते हैं किसी भी बैकग्राउंड के साथ। जी तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी वीडियो या पिक्चर के अनवांटेड पोर्शन को हाइड या ब्लर कर सकते हैं। उसके लिए मास्क का टूल यूज होता है, और मास्क का जो टूल है वो हम किस तरीके से यूज करके किसी भी अनवांटेड पार्ट को हाइड या ब्लर करते हैं देखते हैं। चलिए जी, उसके लिए हमने क्या करना है, एक मेरे पास ये वीडियो का पोर्शन है जिसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ये वो लेक्चर का पोर्शन है जिसके हम पीछे इस वीडियो को लगा के उसको कोई अनवांटेड पार्ट को हम ब्लर करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी क्रोमा की को रिमूव करना है। इस क्रोमा की को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कटआउट पे जाएंगे, कटआउट पे जाके क्रोमा की सिलेक्ट करेंगे और कलर पिक करेंगे, ये ग्रीन वाला हो गया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे और शेडो को भी इसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। शेडो को सेट करने के बाद हम इस पिक को, ये जो अब हमारी पिक शो हो रही है, इसको हम रिसाइज करके इसकी स्केलिंग कर लेंगे, स्केलिंग करने के बाद इसको एक कॉर्नर पे हम प्लेस कर देंगे। कॉर्नर पे प्लेस करने के बाद ये जो वीडियो क्लिप है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसके ऊपर जो है हम प्लेस कर देंगे, इस वीडियो क्लिप के ऊपर जिसके पीछे हम ये वीडियो का पार्ट लगाना चाहते हैं और उसमें से कोई अनवांटेड पार्ट को ब्लर या हाइड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे वाली दोनों अगर मैं लेयर्स को हाइड कर देता हूँ और जस्ट इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं मास्क वाले टूल पे जाता हूँ तो ये डिफरेंट मास्क के ऑप्शंस हैं, कौन कौन सा मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप जो आपको मास्क चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करते हैं जी इसको, और इसको हम रिसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये पार्ट जो है ये ब्लर हो जाए। इसको सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में जाएंगे और लेंस वाले ऑप्शन में ये जो ब्लर वाला इफेक्ट है इसको इस वीडियो क्लिप पे हम पेस्ट कर देंगे। इस इफेक्ट को इस पे लगाने के बाद आप यहाँ पे देखें तो ब्लर की यहाँ पे ओपेसिटी को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इस स्क्रॉलिंग व्हील को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, ब्लर की ओपेसिटी सेट कर ली। अब इन दोनों को मैं अनहाइड कर देता हूँ जो लेयर्स थी। अनहाइड करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से अगर चलाता हूँ तो देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो जो थी मेरी, वीडियो में जो क्रोमा की के साथ मेरी वीडियो लेक्चर जिस रिकॉर्डेड थे उसमें मेरी जस्ट फोटो आ रही है, नीचे क्रोमा की को रिमूव कर दिया है, उसके अलावा ये जो मेरा पोर्शन जो ब्लर किया था वो ब्लर ही शो हो रहा है। सिखाएंगे कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। जी ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम हाइड और ब्लर करते हैं किसी भी अनवांटेड पोर्शन को।
अब हम ये देखेंगे किस तरीके से हम वीडियो के स्पेसिफिक पोर्शन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आपको ये कह सकता है कि मेरा ये स्पेसिफिक पोर्शन है, इसको यहां से आपने यहां तक जूम इन करना है या जूम आउट कैसे करना है, तो किस तरीके से करते हैं जूम इन एंड जूम आउट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस पोर्शन को आप जूम इन और जूम आउट करना चाह रहे हैं आपने उस पोर्शन को कट कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद जहां से ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वहां पे इस कर्सल को ला के आपने बेसिक में जाना, और बेसिक में जो पोजीशन एंड साइज लिखा हुआ है इसमें स्केल वाले ऑप्शन पे आपने यहां पे ऐड की फ्रेम कर लेना है। ऐड की फ्रेम करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका जहां पे स्प्लिट किया हुआ पोर्शन एंड हो रहा है वहां पे ले जाके आपने साइज बढ़ाना है जितना आप जूम इन करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका यहां पे ऐड की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ब्लू जो कलर है वो यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है ऐड की फ्रेम करने का कि ये जो आपका पोर्शन जो आपने सिलेक्ट किया है वो जूम इन होने के लिए सिलेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको रन करके देखते हैं। जी तो रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वीडियो जो है जूम इन हो रही है। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से आप अपने किसी भी वीडियो के स्पेसिफिक पोर्शन को जूम इन कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को आप वाइस वर्सा करेंगे तो आप इसी तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कलर ग्रेडिंग की जाती है। कलर ग्रेडिंग के लिए जस्ट आपने क्या करना है, आपके पास यहां पे ऊपर ऑप्शन में हमारे पास टैब्स में फिल्टर का फिल्टर वाली टैब है, फिल्टर वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट जो इसके फिल्टर्स जो हैं या कलर ग्रेडिंग जो है वो आपको शो हो रही है। आप वन बाय वन जिस जिस कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वीडियो है चेंज होती हुई आपको शो होगी। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होते ही आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। आप इस कलर ग्रेडिंग पे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही कलर जो है चेंज हो जाएगा। इसको देखें जो है इस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है, इस तरीके से वीडियो एडिटिंग की जाती है। जी तो ये वो मेथड है जिसके जरिए से आप अपनी वीडियोस की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब हमने सारी जो वीडियो एडिटिंग है वो कर लिया, अब हम ये चाहते हैं कि जो जो इफेक्ट्स हमने लगाए जिस तरीके से हमने इसको एडिट किया है इसको एज इट इज हम एक्सपोर्ट कर लें। तो एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, जस्ट सिंपल स्टेप है, आपने जो टॉप राइट कॉर्नर पे एक्सपोर्ट का ब्लू बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप पेज जो शो होता है इस पर आप यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दे सकते हैं, इसको आप किस जगह पे इंपोर्ट करना चाहते हैं आप इसकी स्पेसिफिक लोकेशन दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट वीडियो, अगर आपने वीडियो ही एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए आप उसकी रेजोल्यूशन जो है आप 480p, 720, 1080, 2K और 4K भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिट रेट जो है रिकमेंडेड सेलेक्ट कर लें, कोडेक जो है उसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट आप कौन सा फॉर्मेट देखना चाहते हैं, फ्रेम रेट क्या हो 30 फ्रेम पर सेकेंड। उसके बाद अगर आप ऑडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको यही वीडियो दिखाऊं, जी ये वो वीडियो है जो हमने एडिट की है कैपकट के जरिए से, जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है, तो इस तरीके से हम एडिट की हुई वीडियोज को एक्सपोर्ट करते हैं।